तो आज का टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो दो कंपाउंड के बारे में पढ़ने वाले, एक है इथेनॉल और दूसरा है इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो कमर्शियली यूज होता है ये प्रोडक्ट का ज्यादा, और क्या है, कार्बन के कंपाउंड से इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, तो दो ही कंपाउंड के बारे में पढ़ने वाले अभी। तो सबसे पहले हम देखेंगे इथेनॉल क्या होता है, ठीक है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो इथेनॉल, तो जब चैप्टर हमने पढ़ा तभी देखा इथेनॉल, इथेन है मतलब इथेनॉल किससे बना है, मेन पैरेंट हाइड्रोकार्बन क्या है इसमें, इथेन, उसमें कौन सा ग्रुप ऐड हो गया है, OH ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, ठीक है। तो इथेनॉल, तो पहले हम देख लेंगे इथेनॉल इज कॉल्ड इथिल अल्कोहल, तो इसको दूसरा नाम क्या है, इथिल अल्कोहल बोला जाता है कॉमन नेम में, और स्पिरिट, सबने सुना स्पिरिट, तो स्पिरिट इज नथिंग बट उसका केमिकल नेम क्या है, इथेनॉल, ठीक है, या इथिल अल्कोहल कॉमन नेम में उसको इथिल अल्कोहल भी बोला जाता है। इथेनॉल हैज फार्मूला C2H5OH, तो हमने देखा इथेनॉल का फार्मूला क्या है, C2H5OH, दो कार्बन आइटम होते हैं और एक हाइड्रोजन आइटम OH ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इथेनॉल, एंड हैज अ लीनियर स्ट्रक्चर, उसका लीनियर स्ट्रक्चर क्या होगा, CH3, मतलब पहला एक कार्बन आइटम 3 हाइड्रोजन से अटैच होगा, सेकंड कार्बन आइटम 2 हाइड्रोजन और OH ग्रुप से अटैच होगा, और उसका हम स्ट्रक्चर और फार्मूला अगर ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से होगा। तो फर्स्ट कार्बन आइटम 3 हाइड्रोजन से अटैच है, सेकंड कार्बन आइटम 2 हाइड्रोजन से अटैच है, यहाँ OH ग्रुप अटैच है, तो सब में हम बॉन्ड दिखाते हैं, इसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चर और फार्मूला। तो ये हो गया इथेनॉल के बारे में, इथेनॉल का नेम क्या है, अदर नेम क्या है, कॉमन नेम क्या है, उसको क्या बोलते हैं हम, और उसका फार्मूला क्या है, ये हो गया मॉलिकुलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसका अपीयरेंस कैसा होता है, कौन से स्टेट में होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें कहाँ आती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है इथेनॉल की, इथेनॉल इज कलरलेस लिक्विड, कैसा लिक्विड है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन कलरलेस, जैसे वाटर होता है कलरलेस, वैसे इथेनॉल भी कलरलेस है, कोई कलर नहीं उसका, एट रूम टेम्परेचर, एंड हैज अ प्लीजेंट ऑर्डर, प्लीजेंट ऑर्डर मतलब अच्छा ऑर्डर मतलब स्मेल होता है, ठीक है, अच्छा उसका स्मेल। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 78°C, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट मतलब जिस टेम्परेचर पे बॉइल होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज -114°C। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होगा, जिस टेम्परेचर पे फ्रीज होगा, ठीक है, सॉलिड में करो, तो माइनस, ठीक है, 114°C। इथेनॉल इज अ सोलुबल, फिर और प्रॉपर्टी क्या है इसकी, इथेनॉल इज सोलुबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, इथेनॉल वाटर में किसी भी प्रोपोर्शन में सोलुबल है, मतलब डिजॉल्व हो जाता है पूरी तरह से, थोड़ी क्वांटिटी लो वो भी डिजॉल्व हो जाएगा, ज्यादा क्वांटिटी लो वाटर में वो भी डिजॉल्व हो जाएगा, यानी कोई भी प्रोपोर्शन में लो आप, तो इथेनॉल इज सोलुबल इन वाटर, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखना है इथेनॉल के बारे में, कि वो कलरलेस है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता, स्टेट क्या है, लिक्विड, दिखता कैसे, अपीयरेंस कैसा है, कलरलेस, ठीक है, ऑर्डर कैसा है, तो प्रेजेंट ऑर्डर है, स्मेल अच्छा है उसका, देन बॉइलिंग पॉइंट है 78°C एंड फ्रीजिंग पॉइंट है -114°C। फिर आएंगे, इट इज सोलुबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, कोई भी प्रोपोर्शन में लो वाटर में अच्छी तरह से डिजॉल्व हो जाता है, सोलुबल हो जाता है। इट इज कंबस्टिबल एंड बर्न्स विद ब्यूटेन, और कंबस्टिबल भी है, कंबस्टिबल का मतलब जलने वाला, और कौन सी फ्लेम के साथ जलता है, ब्यूटेन, क्योंकि कौन सा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो हमने देखा जहां भी सिंगल बॉन्ड होता है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है या कार्बन का कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, तो वो पूरी तरह से उसके जो कार्बन के पार्टिकल्स है वो पूरी तरह से बर्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से फ्लेम जो होती है वो ब्लू फ्लेम होती है, क्लीन फ्लेम होती है। तो इथेनॉल आल्सो बर्न्स विद ब्लू फ्लेम और क्लीन फ्लेम। फिर कंजप्शन, लेकिन एक इसमें प्रॉब्लम है, इसको कंजप्शन भी किया जाता है अल्कोहल, ठीक है, तो अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा, कंजप्शन ऑफ अल्कोहल हार्म्स हेल्थ इन नंबर ऑफ वेज, तो हेल्थ के ऊपर ये जो अल्कोहल है, ठीक है, जिसे शराब बोलते हैं, वाइन, ठीक है, उसमें अल्कोहल होता है, तो ये अल्कोहल हार्मफुल है हेल्थ के, ठीक है, ये सब लोग जानते भी है, लेकिन फिर भी इसका यूज बहुत ज्यादा हो रहा है। तो आपकी बुक में दिया है कंजप्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल शोज इट्स इफेक्ट, ठीक है, तो स्मॉल क्वांटिटी अगर डाइल्यूट करके भी उसको ले रहे, डाइल्यूट करना मतलब वाटर के साथ मिक्स करके भी ले रहे उसको, तो भी ये हार्मफुल इफेक्ट शो करता है बोलते। इवन दो इज कंडेम्ड, स्टिल इट हैज रिमेन सोशल वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस, ठीक है, तो सोशल वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस मतलब हमारे समाज में फैली हुई, पूरी तरह से
वाइड स्प्रेड है, ठीक है, पहली हुई प्रैक्टिस है कि इसका कंजप्शन हो रहा है, जबकि ये अच्छा नहीं है, खतरनाक है, ठीक है। सो कंजप्शन ऑफ अल्कोहल हार्म सेल इन अ नंबर ऑफ वेज, तो कंजप्शन ऑफ अल्कोहल हार्म सेल इन नंबर ऑफ, अलग अलग तरीके से हमारे हेल्थ को ये अफेक्ट करता है। उसमें क्या दिया, इट एडवर्सली अफेक्ट द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, तो हमारी बॉडी में जो भी प्रोसेस चलती है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस उसको ये अफेक्ट करता है, एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी ये अफेक्ट करता है, ठीक है। तो देखते होंगे आपने बहुत ज्यादा जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, शराब पीते हैं, उनकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन और मेंटल कंडीशन या नर्वस सिस्टम उनका बराबर काम नहीं करता है, तो ठीक है, समझ में आ गया। सो कंजप्शन इवन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर अल्कोहल इथेनॉल, सो प्योर फॉर्म में जो होता है इथेनॉल विदाउट डाइल्यूशन उसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट अल्कोहल, उसको क्या बोलेंगे एब्सोल्यूट अल्कोहल। डाइल्यूट फॉर्म में लिया वो भी इफेक्टिव होते, प्योर कितना इफेक्टिव होगा, ठीक है। कैन बी लेथल, लेथल मतलब बहुत ही डेंजरस हो सकता है, ठीक है, अगर प्योर फॉर्म में इसको ले लिया। तो इस तरह से इथेनॉल के बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन हमने देखा, अभी देखेंगे हम केमिकल यूज देखेंगे इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो देखो आपके बुक में दिया है इथेनॉल बीइंग गुड सॉल्वेंट, ये अच्छा सॉल्वेंट है, ठीक है। इट इज यूज इन मेडिसिन सच एज टिंचर आयोडीन, सोल्यूशन ऑफ आयोडीन एंड इथेनॉल, कप मिक्सचर एंड ऑल्सो इन मेनी टॉनिक्स, ये अच्छा सॉल्वेंट है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे जो आपकी टॉनिक्स आती है कप सिरप होकर मेडिसिन में इसका यूज होता है सॉल्वेंट के तौर पर, ठीक है। तो स्मॉल क्वांटिटी, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होती है उसमें अल्कोहल इथेनॉल, तो ये कप सिरप में भी यूज किया जाता है, एकदम स्मॉल क्वांटिटी, और कुछ मेडिसिन टॉनिक्स के अंदर भी ये होता है, और साथ में और कहाँ होता है इसका टिंचर आयोडीन बनाने के लिए भी इसे सॉल्वेंट करके यूज किया जाता है इथेनॉल, तो ये यूज दिया हुआ है, तो हम यूज भी लिख लेंगे। तो आप नोट कर लो इथेनॉल के बारे में प्रॉपर्टीज है, जनरल प्रॉपर्टीज, अब इसके बाद में इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लो, ठीक है। मेडिसिन में कैसे यूज होता है तो लिख लो आप, इथेनॉल बीइंग गुड सॉल्वेंट है, इट इज यूज्ड इन मेडिसिन सच एज टिंचर आयोडीन, तो अच्छा सॉल्वेंट है, मतलब ये डिसॉल्व कर लेता है किसी भी चीज को। सॉल्वेंट किसे बोलते हैं, जिसमें कोई चीज डिसॉल्व होती है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अच्छा सॉल्वेंट करके यूज होता है, इसलिए कफ सिरप में भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है, एंड कुछ टॉनिक्स में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से मेडिसिन में इसका यूज होता है इथेनॉल, तो नोट कर लो पॉइंट भी। अभी देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल पढ़ेंगे, सो केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, एक रिएक्शन विद सोडियम देखेंगे, और जो थर्ड रिएक्शन है वो डिहाइड्रेशन रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ऑलरेडी हम पहले भी देख चुके, ऑक्सीडेशन जब देखा कार्बन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑक्सीडेशन, तो वहां भी एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी देखा। सो इथेनॉल का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। सो इथेनॉल गेट्स ऑक्सीडाइज बाय अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट टू फॉर्म इथेनोइक एसिड, तो जब इथेनॉल का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ही ऑक्सीडेशन होगा तो क्या तैयार होगा इथेनोइक एसिड तैयार होगा। तो जनरली ऑक्सीडेशन कहां एक्सप्रेस होता है, किस जगह होता है, तो जहां पर फंक्शनल ग्रुप अटैच है उस कार्बन आइटम पे ऑक्सीडेशन होता है, मतलब ऑक्सीजन वहां ऐड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ऑक्सीजन यहाँ लीक हो गया, तो एक कार्बन यहाँ जो हाइड्रोजन था कार्बन के साथ लगा हुआ, तो हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस होके यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इथेनॉइक एसिड तैयार हो गया, तो होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अभी देखेंगे रिएक्शन इज सोडियम, तो इथेनॉल अगर सोडियम मेटल के साथ हम इथेनॉल की रिएक्शन करते हैं, सो ऑल द अल्कोहल, तो जितने भी अल्कोहल है, ठीक है, इथेनॉल को अल्कोहल है, इसके अलावा भी जो अदर अल्कोहल है, तो ऑल द अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम मेटल, तो मेटल के साथ हो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं लिब्रेट हाइड्रोजन गैस, उसमें हाइड्रोजन गैस लिब्रेट होती है, मतलब प्रोड्यूस होती है, रिलीज होती है, एंड फॉर्म सोडियम अल्कोक्साइड सॉल्ट, और क्या फॉर्म होगा सोडियम अल्कोक्स, सोडियम के साथ रिएक्शन हो रही है तो अल्काक्साइड तैयार होगा। अल्काक्साइड है मतलब जो भी अल्केन है, यहाँ कौन सा अल्केन है, ये अल्केन है कौन सा क्या शो करता है, अल्केन है अल्केन ग्रुप, ठीक है, अल्क, सो इथेन है तो क्या हो जाएगा अल्क के जगह इथ हो जाएगा, और ऑक्साइड तो इथॉक्साइड, ठीक है, प्रोपेन है तो प्रोपॉक्साइड, आगे जाएंगे इस तरह से। तो ये जनरल नेम है कोई भी अल्कोहल के लिए,
तो जो भी अगर प्रोपेनॉल हम लेंगे तो प्रोपेनॉल क्या अल्कोहल है, तो कोई भी जो अल्कोहल होता है ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या तैयार करेगा, तो दो चीजें वहां रिलीज होगी बनेगी, एक तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और दूसरा वो जो सोडियम है उसका अल्कोक्साइड तैयार, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे इथेनॉल है, तो इन द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद सोडियम मेटल हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम विथ ऑक्साइड, तो क्या हो जाएगा मेटल का इथॉक्साइड अल्कोक्साइड, अब अल्कोक्साइड के जब यहाँ क्या होगा इथेन है, इथेनॉल के साथ रिएक्शन हो रही तो इथॉक्साइड हो जाएगा, ठीक है, ये जनरल नेम है अल्कोक्साइड। तो सोडियम इथॉक्साइड ये सॉल्ट तैयार हो जाएगा, तो आगे ध्यान में इस तरह से सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन होती है। तो रिएक्शन हम देखेंगे तो CH3CH2OH इथेनॉल हो गया, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन हो रही है, ये बैलेंस करने के लिए हमने 2 लगाया, इधर भी 2 लगाया इसको, तो क्या फॉर्म होगा सोडियम इथॉक्साइड CH3CH2ON। अब देखो कहां ऐड हो रहा है वो CH3CH2 है ONA, तो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके NA वहां पर ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है वहां भी आगे दर में, तो ONA यहां ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन गैस बन के रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन हो रही है, सोडियम इथॉक्साइड तैयार होगा CH3CH2ONA और हाइड्रोजन, तो समझ में आ गया रिएक्शन विद सोडियम मेटल, नोट कर लो। अब देखो ये जो हमने रिएक्शन देखे रिएक्शन विद सोडियम सोडियम मेटल के साथ, उसी के ऊपर आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सो एपरेटस क्या क्या चाहिए हमें, बिग टेस्ट ट्यूब डिलीवरी ट्यूब फिटेड इन अ रबर कॉर्ड नाइफ कैंडल एक्सेट्रा, ठीक है। और केमिकल क्या क्या चाहिए, सोडियम मेटल इथेनॉल मैग्नीशियम रिबन, समझ में आ गया। तो वही हमें करना है, जो हमें ये जो रिएक्शन देखा है रिएक्शन को हमें एक्सपेरिमेंट में करना है, तो क्या लेंगे हम इथेनॉल और सोडियम और उसके साथ में और एक मेटल दे दिया उन्होंने मैग्नीशियम भी लेना है, तो मैग्नीशियम के साथ में सेम रिएक्शन होती है क्या हमें चेक करना है, ठीक है। सो प्रोसीजर है 10 ml इथेनॉल इन अ बिग टेस्ट ट्यूब, तो एक बिग टेस्ट ट्यूब हमें लेना है, उसमें 10 ml क्या लेना है हमें इथेनॉल लेना है। कट सोडियम मेटल इंटू 2-3 पीसेस ऑफ सीरियल ग्रेन साइज, एकदम छोटे छोटे सीरियल ग्रेन जो होती है हमारी गेहूं चावल वगैरह, ठीक है। तो उसके तरह उस साइज के हमें क्या करना है सोडियम मेटल को कट करके 2-3 पीसेस उसके लेना है, ठीक है। पुट द सोडियम पीसेस इंटू द इथेनॉल इन द टेस्ट ट्यूब एंड फिक्स द गैस डिलीवरी ट्यूब टू द टेस्ट ट्यूब, ठीक है। तो जो टेस्ट ट्यूब हमने मान लो ये टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब में हमने क्या ले लिया 10 ml इथेनॉल ले लिया और 2-3 पीसेस की हमने सोडियम मेटल एकदम छोटे छोटे ग्रेन साइज के, ठीक है, और वो हमने इसमें टेस्ट ट्यूब में पुट कर दिए। अब हमें ऑब्जर्व करना है और साथ में क्या करना है, ये जो टेस्ट ट्यूब है इसको भी ऊपर से कवर कर देना है रबर बॉक्स से, वहां एक डिलीवरी ट्यूब होगी, डिलीवरी ट्यूब मतलब यहां से हम ट्यूब निकल वेंट ट्यूब रहती है, ठीक है, तो उसमें से गैस कौन सी निकल रही उसको चेक करने के लिए फिर हम उसका यूज होगा। तो डिलीवरी ट्यूब वाला जो कॉर्क है उससे इसको हम क्लोज कर देंगे टेस्ट ट्यूब को। अभी हमें ऑब्जर्व करना है कि सोडियम और इथेनॉल में क्या हो रहा है, ठीक है। टेक अ बर्निंग कैंडल नियर द आउटलेट ऑफ द गैस डिलीवरी ट्यूब एंड ऑब्जर्व, तो ये जो गैस डिलीवरी ट्यूब हमने यहां लगाया हुआ है रबर कॉर्क के साथ, ठीक है, क्लोज करके अब उसका जो एंड होगा ओपनिंग होगी वहां पे हमें बर्निंग कैंडल लेके जाना, तो क्या होगा जो बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे वहां को फ्लेम चालू हो जाएगा, जलना चालू हो जाएगा, ठीक है, फ्लेम दिखेगी हमें। ये फ्लेम किसकी वजह से होती है, तो हाइड्रोजन गैस की, हाइड्रोजन गैस क्या है कंबस्टिबल गैस, खुद जलने वाली गैस है, ठीक है। तो जब भी बर्निंग कैंडल हम लेके जाएंगे जो आउटलेट होगा वो जो डिलीवरी ट्यूब हमने निकली उसका जो ओपनिंग होगा वहां अगर हम लेके जाएंगे तो वहां फ्लेम हमें दिखेगी, इसका मतलब वो गैस निकल रही हो, क्या कन्फर्म होता है कौन सी गैस है हाइड्रोजन गैस, ठीक है, जैसा कि हमने रिएक्शन देखा। तो इथेनॉल की सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन होकर क्या रिलीज हो रहा है, कौन सी गैस बाहर निकल रही है ट्यूब में से, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल, ठीक है, ये कंफर्म हो जाएगा। अब देखो कुछ क्वेश्चन पूछे आपको वहां, विच इज द कंबस्टिबल गैस कमिंग आउट ऑफ द गैस डिलीवरी ट्यूब, आंसर क्या होगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है व्हाई डू द सोडियम पीसेस अपीयर टू डांस ऑन द सर्फेस ऑफ इथेनॉल, तो हम टेस्ट ट्यूब में अगर ऑब्जर्व करेंगे इधर तो हमने डिलीवरी ट्यूब में उसको ओपनिंग के पास कैंडल लेके गए तो वहां बर्न हो रहा है, ठीक है, वहां फ्लेम जल रही है, उससे पता चला कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। अब सेकंड पूछा कि टेस्ट ट्यूब के अंदर हम ऑब्जर्व करेंगे तो जो पीसेस थे, ठीक है, स्मॉल पीसेस थे सोडियम के, वो क्या वो इथेनॉल के सर्फेस के ऊपर ऐसे डांसिंग करता हमें नजर आएंगे। अब वो डांस क्यों कर रहे हैं, किसकी वजह से होगा, क्योंकि
जब रिएक्शन हो रही तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है यहां, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस जब प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस अंदर में प्रोड्यूस हो रहा है तो ऊपर उठने की कोशिश करेगा और अपने साथ क्या करेगा, जब वो ग्रेन्स के सरफेस को नीचे से टच होगा, बबल्स रहेंगे वहां, गैस के बबल्स वहां तैयार होंगे और बबल्स क्या होगा ऊपर में आएंगे, तो बबल्स की वजह से क्या होगा, वो जो ग्रेन्स है वो ऊपर आएंगे और बबल्स की वजह से वो हिलते हुए डांस करते हुए दिखाई देगी, क्योंकि गैस हमेशा कहां निकलती है, ऊपर निकलती है और उस सोल्यूशन में गैस तैयार हो रही है क्योंकि रिएक्शन हो रही हो सोडियम मेटल के ग्रेन्स, ठीक है, उसमें के बीच में और अल्कोहल में इथेनॉल में, तो वहां हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो हाइड्रोजन गैस ऊपर उठने की कोशिश करेगी तो सरफेस को नीचे से स्टिक हो जाएगी, जिसकी वजह से वो जो ग्रेन्स है सोडियम मेटल के उसको क्या करेगा, प्रोजेक्ट करेगा ऊपर में और डांसिंग करते हुए दिखाई देगी। और आपको क्वेश्चन पूछा, रिपीट द अबव प्रोसीजर यूजिंग मैग्नीशियम रिबन इन स्टेड ऑफ सोडियम। अब सोडियम के लिए जैसे हमने एक्सपेरिमेंट किया, सेम आपको मैग्नीशियम रिबन के लिए करना है, ठीक है। देन डू यू सी गैस बबल रिलीज फ्रॉम द पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन, तो गैस बबल रिलीज होते हुए आपको क्या दिखेंगे बोल रहे हैं, डज मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विद इथेनॉल, यहां हमें पता चलेगा कि मैग्नीशियम इथेनॉल से रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, तो गैस बबल्स हमको नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि जनरली मेटल की किसके साथ रिएक्शन होते हैं, एसिड के साथ रिएक्शन होती है, हमने देखा था लास्ट ईयर भी पढ़ा एसिड, ठीक है, एसिड वाला चैप्टर हमने जब पढ़ा था, तो मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन होके मेटल का सॉल्ट तैयार होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज। लेकिन ये जो इथेनॉल है ये क्या है, न्यूट्रल है, इथेनॉल क्या है, न्यूट्रल है, एसिडिक नहीं है, जिसकी वजह से इसकी रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन तो मॉडरेटली जो, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है, मॉडरेटली रिएक्टिव, बहुत ज्यादा हाई रिएक्टिव नहीं है, लेकिन सोडियम क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल, हमने देखा सोडियम और पोटेशियम, तो सोडियम हाईली रिएक्टिव होने की वजह से इथेनॉल भले ही न्यूट्रल है फिर भी उसके साथ रिएक्शन होगा, और मैग्नीशियम मॉडरेटली रिएक्टिव होने की वजह से उतनी रिएक्शन नहीं देगा, इसलिए हाइड्रोजन गैस भी हमें नहीं दिखेगी और बबल्स भी हमें नहीं दिखेगी, ठीक है। और वो डांसिंग क्यों कर रहे हैं, बबल्स की वजह से डांसिंग हो, अगर हम जो बबल फॉर्म होते हैं हाइड्रोजन गैस के उसकी वजह से पीसेस डांसिंग करते हुए दिखते हैं सोडियम। देखो तो नेक्स्ट पेज क्यों हमें दिया है, इन प्रीवियस स्टैंडर्ड यू हैव लर्न दैट अ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल सच एज मैग्नीशियम रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस से करते हैं, तो इथेनॉल इज न्यूट्रल, तो इसलिए क्या होगा, इथेनॉल न्यूट्रल है, तो इसका मतलब मैग्नीशियम रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि मैग्नीशियम स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करता है क्योंकि वो मॉडरेटली रिएक्टिव है। दो इथेनॉल इज न्यूट्रल, इट रिएक्ट विद सोडियम मेटल एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब इथेनॉल न्यूट्रल होने के बावजूद भी सोडियम के साथ रिएक्शन करता है क्योंकि सोडियम हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। सोडियम बीइंग हाईली रिएक्टिव मेटल इट रिएक्ट्स विद द न्यूट्रल फंक्शनल ग्रुप OH ऑफ इथेनॉल, ठीक है। किसके साथ में मेटल रिएक्शन करता है, जो OH ग्रुप होता है CH3CH2OH, ठीक है, तो ये OH ग्रुप के साथ यहां रिएक्शन मिला सोडियम, तो ये H यहां से निकल के यहां Na आगे जाएंगे, तो इस तरह से रिएक्शन होती है सोडियम मेटल के साथ इथेनॉल। तो समझ में आ गया एक्सपेरिमेंट, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे थर्ड रिएक्शन। अब देखो थर्ड रिएक्शन डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है, डिहाइड्रेशन, तो हमारे बॉडी में भी जब वाटर लॉस होता है तो क्या बोलते हैं, हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई बोलते हैं, आगे तो डिहाइड्रेट क्या इंडिकेट कर रहा है, वाटर का लॉस होना, वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाना, उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन इथेनॉल की क्या होगी हम देखेंगे, सो व्हेन इथेनॉल इज हीटेड एट द टेम्परेचर ऑफ 170 डिग्री सेल्सियस, अगर हम इथेनॉल को 170 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं विद एक्सेस अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, तो एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे और 170 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम इथेनॉल को हीट करते हैं, सो वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स मॉलिक्यूल टू फॉर्म इथेनॉल, तो वन मॉलिक्यूल वाटर का वन मॉलिक्यूल क्या होगा, यहां से निकल जाएगा, तो इथेनॉल का वन मॉलिक्यूल है, इसको अगर 170 डिग्री सेल्सियस और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो देखो क्या होगा,
CH3 CH2 OH, इसमें से क्या निकल जाएगा, तो CH2 CH2, मतलब यहां डबल बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन निकल रहा OH, इसके साथ और एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो OH2 यानी H2O। अगर हमने तो H2O निकल गया, वाटर निकल गया, अब यहां से हाइड्रोजन कम हो गया, जिसकी वजह से क्या करना पड़ेगा, इसको डबल बॉन्ड बनाना, ठीक है। तो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन सफिशियंट नहीं है, रिएक्शन में निकल गया। इस तरह से CH3 CH2 OH इथेनॉल है, और इसको इस तरह से इस कंडीशन में जब इसकी रिएक्शन होगी तो CH2 CH2 क्या ये इथीन तैयार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इथीन अनसेचुरेटेड कंपाउंड। तो टू फॉर्म इथीन एंड अनसेचुरेटेड कंपाउंड, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया, इसमें से हाइड्रोजन निकल गया, तो OH ग्रुप और है, इधर का हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो इथीन तैयार। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट्स एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। तो एजेंट है जो डिहाइड्रेशन करने के लिए हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जो ऑक्सीडेशन करवाता है उसको क्या बोलते हैं, हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो रिडक्शन करता है उसको क्या बोलते हैं, हम रिड्यूसिंग एजेंट। उसी तरह से डिहाइड्रेशन करने वाले एजेंट को क्या बोलेंगे, हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो यहाँ कौन डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो नोट कर लो इसे, तो थर्ड रिएक्शन है इथेनॉल की। देखो आपके बुक में जो यूज योर ब्रेन पावर दिया है उसी पेज के ऊपर, ठीक है, थर्ड रिएक्शन के बाद में, तो इसी से रिलेटेड है अभी जो हमने पढ़ा। एक्सप्लेन बाय राइटिंग अ रिएक्शन व्हाट विल हैपन व्हेन पीसेस ऑफ सोडियम मेटल आर पुट इन एन प्रोपिल अल्कोहल, ठीक है। तो सोडियम मेटल की रिएक्शन दूसरे अल्कोहल के साथ हो रहा है, तो ऑलरेडी इथेनॉल के साथ जब हम रिएक्शन किए तभी पता है कि अल्कोहल के साथ सोडियम मेटल की रिएक्शन होगी, क्या होता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती, रिलीज होती, और क्या तैयार होगा, उस मेटल का अल्कोक्साइड तैयार होगा, ठीक है। यहाँ क्या अल्केन चेंज हो रहा है, प्रोपेन है, अल्क है प्रोपेन है, मतलब 3 कार्बन एटम वाला है। तो आपको क्या करना है, एक्सप्लेन बाय राइटिंग रिएक्शन, तो हमें रिएक्शन लिखना, तो जैसे हमने इथेनॉल की रिएक्शन लिखा उसी तरह से ये प्रोपिल अल्कोहल यानी क्या है, प्रोपेनॉल, आगे चल रही इथेनॉल उसी तरह से प्रोपेन, मतलब सीधा सीधा स्ट्रेट चेन। तो हमारी रिएक्शन क्या होगी, तो CH3 CH2 CH2 OH, ये हो गया यान प्रोपिल अल्कोहल या प्रोपेनॉल, ठीक है। 3 कार्बन एटम है प्रोपेन, उसको क्या लग गया, OH ग्रुप, तो क्या हो गया, प्रोपेनॉल, या कॉमन नेम में उसको बोलते हैं यान प्रोपिल अल्कोहल, ठीक है, प्रोपिल अल्कोहल। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, NA के साथ, तो क्या फॉर्म होगा, तो क्या होगा, सिर्फ यहां से हाइड्रोजन, ठीक है, कम हो जाएगा, और ओ NA यहां आ जाएगा, तो CH3 CH2 CH2 ONA, और यहां H2 फॉर्म, ठीक है। तो इस तरह से एन प्रोपिल अल्कोहल, तो CH3 CH2 CH2 OH एन प्रोपिल अल्कोहल है, सोडियम के साथ रिएक्शन होगी, सोडियम मेटल के साथ, तो क्या तैयार होगा, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और साथ में मेटल का अल्कोक्साइड तैयार होता है, यहाँ अल्केन ग्रुप क्या है, प्रोपेन है, ठीक है, तो प्रोपोक्साइड हो जाएगा। अब इसको हम इक्वेशन को क्या करेंगे, हम बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि जब तक हम बैलेंस नहीं करेंगे तो कंप्लीट हमारा इक्वेशन नहीं होगा। अब देखो बैलेंस करने के लिए वन बाय वन हम एटम्स गिनेंगे, तो कार्बन 1 2 3 है, इधर भी देखो 1 2 3, मतलब कार्बन एटम इक्वल है, सेम है। फिर हाइड्रोजन पे आ जाओ, तो यहाँ 3 + 2 + 2 कितने हो गए, 7 + 1 8 हो गए, और इस साइड में आएंगे तो 3 + 2 5 7 और 8 कितने हो रहे, 9 हो रहे, तो इधर 8 है हाइड्रोजन, इधर 9 है, इसका मतलब बैलेंस नहीं है, तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, and 2 × 2 = 4, so 6 + 4 + 4 कितने हो जाएंगे, 6 + 4 = 12, 12 + 4 = 6 + 4 = 10, and 10 + 4 = 14, and 14 यहाँ 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16। उसी तरह से इधर आ जाओ,
तो इसे भी हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ भी 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 4 40 और ये 2 कितने हो गए 60। तो अभी बैलेंस हो गया हाइड्रोजन दोनों साइड में, अब बच गया हमारा ऑक्सीजन और सोडियम। अब ऑक्सीजन इधर हमने 2 से, ये देखो 2 से मल्टीप्लाई पूरे इसको, तो ऑक्सीजन यहाँ 2 हो गए। अब इधर ऑक्सीजन यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गए, मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब आ गया सोडियम, सोडियम इधर 1 है लेकिन इधर क्या हो गया, इधर 2 से मल्टीप्लाई करने की वजह से सोडियम 2 हो गए, इसका मतलब इसे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 2 ये है। तो इस तरह से कंप्लीट रिएक्शन हो गया। तो हम आंसर क्या लिखेंगे आपको, क्या व्हाट विल हैपन व्हेन पीसेस ऑफ सोडियम मेटल आर पुट इन यंग प्रोपेलर कोर। तो क्या लिखेंगे आप, व्हेन पीसेस ऑफ सोडियम मेटल आर पुट इन यंग प्रोपेलर कोर हाइड्रोजन गैस विल रिलीज विद द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम प्रोपॉक्साइड। ठीक है, सो व्हेन ठीक है, तो नोट कर लो रिएक्शन हो इस तरह से, व्हेन पीसेस ऑफ सोडियम मेटल आर पुट इन यंग प्रोपेलर कोर हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम प्रोपॉक्साइड आर फॉर्म एज फ्लोरिन्स। ठीक है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो आपके यूज ऑफ विंड पावर पे दिया है। एक्सप्लेन बाय राइटिंग अ रिएक्शन व्हिच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म ऑन हीटिंग यंग ब्यूटिल अल्कोहल विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में अगर यंग ब्यूटिल अल्कोहल को हीट करेंगे तो व्हिच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, व्हिच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, ब्यूटिल। ठीक है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और एक डबल बॉन्ड तैयार हो जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में और इस तरह से ब्यूटिल तैयार। ठीक है, तो रिएक्शन लिख लो आप। ठीक है, ब्यूटिल अल्कोहल लेने क्या होगा, तो मेन पैरेंट हाइड्रोकार्बन क्या है यहाँ, ब्यूटेन। ठीक है, तो 4 कार्बन है, 1 2 3 4 और उसको OH ग्रुप अटैच, इसलिए अल्कोहल लग गया, ब्यूटिल अल्कोहल। तो इसकी जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा, मतलब ये OH और इधर का भी हाइड्रोजन निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन कम हो गया, इसका मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन नहीं है रिएक्शन के लिए, तो ये कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड तैयार हो जाएगा, तो CH3 CH2 CH, तो ये कार्बन कार्बन है डबल बॉन्ड हो जाएगा और जो हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिलके वाटर तैयार होगा। इस तरह से रिएक्शन आप नोट कर, तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है अल्कोहल का। ठीक है, और देखो इथेनॉल अ फ्यूल, तो इथेनॉल को फ्यूल करके भी यूज किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि इथेनॉल क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और हमने देखा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जब भी कंबशन होगा, जब वो जलेगा, ठीक है, जब बर्न होगा वो, उससे क्या निकलेगा, दो ही प्रोडक्ट मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, और जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या कार्बन के कंपाउंड कंबशन होता है उसका, तो क्या होगा, उसमें से अनबर्न पार्टिकल उसमें रह जाते हैं कार्बन की, जिसकी वजह से ब्लैक स्मोक निकलता है और जो फ्लेम होती है वो क्या होती है, येलो होती है। ठीक है, तो क्लीन फ्यूल नहीं होगा, पोल्यूशन बहुत ज्यादा होगा उसकी वजह से। ठीक है, लेकिन जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या कार्बन का कंपाउंड जब कंबशन होता है तो वो क्लीन फ्लेम देता है और उससे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही जनरेट होगा। ठीक है, प्रोड्यूस होगा। सो ऑन कंबशन इन सफिशियंट एयर इथेनॉल गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन उसके लिए सफिशियंट एयर भी चाहिए। ठीक है, तो सफिशियंट एयर में जब कंबशन होगा तो क्लीन फ्लेम के साथ वो बर्न होगा विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वहां से प्रोड्यूस होगा। अब देखो, तो उसी तरह से जो इथेनॉल है, ऑन कंबशन इन सफिशियंट एयर इथेनॉल गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज द ओनली प्रोडक्ट, तो दो ही प्रोडक्ट्स ही मिलते हैं इससे, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। इन दिस वे इथेनॉल इज ए क्लीन फ्यूल, इसलिए इथेनॉल को हम क्लीन फ्यूल बोल सकते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा पोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, देयरफॉर इन सम कंट्रीज, और इस प्रॉपर्टी के वजह से ये इथेनॉल को कहां ऐड किया जाता है, पेट्रोल में ऐड किया जाता है कुछ कॉन्सेंट्रेशन, सो इट इज यूज्ड एज एन एडिटिव टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल। तो पेट्रोल की इफिशियंसी बढ़ाने के लिए, उसकी क्षमता और बढ़ाने के लिए और पोल्यूशन को कम करने के लिए इथेनॉल कुछ प्रोपोर्शन में पेट्रोल में ऐड किया जाता है। तो ऐसा जो फ्यूल बनता है उसे क्या बोलते हैं, गैसो, उसे क्या बोलते हैं, गैसो अल्कोहल, मतलब इथेनॉल ये अल्कोहल उसमें डाल दे तो गैसो होल। ठीक है, होल मतलब अल्कोहल है। आगे चलते हैं, तो ये पेट्रोल में अल्कोहल हम मिक्स कर इथेनॉल स्पेशल, तो इथेनॉल एक गुड फ्यूल करके भी हम यूज कर सकते हैं। उसका प्रोडक्शन कहाँ होता है फिर इथेनॉल का ज्यादा, जो शुगर फैक्ट्रीज होती है, तो शुगर फैक्ट्रीज में क्या करते हैं, शुगर कॉर्न को क्रश करके उससे
शुगर बनाए जाते हैं, तो प्रोसेस होती है, लॉन्ग प्रोसेस होती है उसमें, ठीक है। फिर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मोलासेस तैयार होता है और मोलासेस का फर्मेंटेशन किया जाता है, वहां से इथेनॉल तैयार होता है, ठीक है। तो लार्ज स्केल में अगर इथेनॉल चाहिए तो फर्मेंटेशन से तैयार किया जाता है शुगर फैक्ट्रीज में मोलासेस, ठीक है। तो एज ए फ्यूल करके भी इसको यूज किया जाता है, तो इथेनॉल ए फ्यूल। तो यहाँ हमारा इथेनॉल के बारे में जो शॉर्ट में आपको दिया था इन्फॉर्मेशन, तो हमने प्रॉपर्टीज देखा इथेनॉल की, इथेनॉल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इट इज कलरलेस, इट हैज ए प्लीजेंट ऑर्डर, उसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, सोलूबल है वाटर में हर प्रोपोर्शन में, और अगर इसका कंजप्शन किया जाए तो ह्यूमन हेल्थ के लिए ये डेंजरस है, हार्मफुल, ठीक है। कहाँ कहाँ इसका इफेक्ट होता है इथेनॉल का, तो नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट होता है और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के प्रोसेस के ऊपर भी इसका एडवर्स इफेक्ट होता है, बैड इफेक्ट होता है, ठीक है। और जो प्योर फॉर्म में अगर कोई अल्कोहल कंज्यूम कर लेता, प्योर फॉर्म जो होता है इथेनॉल को उसे क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल, ठीक है। तो अगर कोई लेता बहुत ही वो डेंजर होता है, लेथल होता है, ठीक है। फिर यूज क्या होता है मेडिसिन में, इसका यूज होता है क्योंकि इट इज अ गुड सॉल्वेंट, सो इट इज यूज इन मेडिसिन, कफ सिरप में, कुछ कफ सिरप में इसका यूज होता है, सम टॉनिक्स आल्सो कंटेन इथेनॉल, और टिंचर आयोडीन बनाने के लिए भी उसमें भी सॉल्वेंट करके इसका यूज होता है। फिर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज देखा, ऑक्सीडेशन, सो ऑक्सीडेशन होके इथेनॉल का क्या बनता है, इथेनॉइक एसिड तैयार होता है। उसी तरह से मेटल के साथ में, सोडियम मेटल के साथ में इसकी रिएक्शन होके सोडियम इथॉक्साइड तैयार होता है, उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और थर्ड रिएक्शन हमने देखा डिहाइड्रेशन रिएक्शन, तो 170 डिग्री सेल्सियस पे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर इसकी रिएक्शन होती है तो क्या होगा, जो सैचुरेटेड इथेनॉल है वो काय में कन्वर्ट हो जाता है, अनसैचुरेटेड अल्किन अल्किन तैयार हो जाता है, कार्बन कंपाउंड तैयार हो जाता है, ठीक है। तो इथेनॉल का कन्वर्शन इथीन में हो जाता है और वाटर मॉलिक्यूल वहां से रिमूव होता है, इसलिए इसको डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। और एज ए फ्यूल भी इसका यूज होता है, तो हमने देखा किस तरह फ्यूल करके यूज होता है, तो हम कल देखेंगे नेक्स्ट हमारा जो है इथेनॉइक एसिड के बारे में, ठीक है। तो नोट कर लो ये।